हमेशा सी के बाद क्या लगाते हैं, ई सर, ई आई। शार्ट साउंड में क्या लगाते हैं, हमेशा शार्ट साउंड में हम सी के बाद आई ई, और लॉन्ग जो है साउंड के अंदर हम लगाते हैं सी के बाद ई आई लगाते हैं। तो आज का फर्स्ट रूल हमारा ये था, तो हम सेकंड रूल को अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल के बारे में सुन लें। सेकंड रूल हमारा है कि किस वर्ब के अंदर हमने आई एन जी लगाना है और ई को ड्रॉप करना है, ये आप जान देख लें। सेकंड केस है सर हमारा ये कि हमने आई को ड्रॉप करना है और आई एन जी का इजाफा करना है वर्ब के अंदर। जब आप कंटिन्यू टेंस पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके अलावा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह कितने टेंस टोटल हुए, तकरीबन 6 टेंस ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं, जहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ सर क्या इजाफा करते हैं, आई एन जी का इजाफा करते हैं। तो आप सर जब बच्चों को बताएं 6 टेंस 12 टोटल टेंस हैं, 6 टेंस में आप बच्चों को जहां पर आई एन जी का इजाफा करना है, तो यहां बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर कहां पर हम आई एन जी किस अंदाज से इजाफा करें। कहीं पर ई को ड्रॉप किया जाता है, कहीं पर आखिरी कंसोनेंट को डबल किया जाता है, कहीं पर डबल नहीं किया जाता। तो ये कौन सा रूल, कौन सा हम रूल अप्लाई करें टीचर, कि हमें आसानी हो और हम 6 टेंस इजीली कर सके। तो आज मैं सेकंड रूल में आपको यही बात समझाने जा रहा हूं। आप इस सेकंड रूल को अव्वल ताखिर तवज्जो से सुनिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब ये 6 टेंसेस करेंगे तो आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। तो अभी मैं पहला रूल जो है वो मैं बात करता हूं कि कब ई को ड्रॉप किया जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, कम, सी ओ एम ई, कम। जब भी आखिरी लेटर ई हो उससे पहले कंसोनेंट हो, ये रूल है। तो प्यारे बच्चों दोबारा सुन लें, क्योंकि मुझे बच्चे भी चैनल के अंदर यूट्यूब के अंदर लाइक करते हैं, वो मुझे कहते हैं सर आप 1 से लेकर 10 तक मैथ पढ़ाएं, इंग्लिश के लेक्चर दें। तो मैं उन बच्चों से मुहातिब हूं, बेटा अब ये तवज्जो से सुन लें रूल, कि जब किसी वर्ब के अंदर आखिरी जो लेटर है वो ई हो और ई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर ई को ड्रॉप करके हम आई एन जी का इजाफा करते हैं। मगर बाद 3 केसेस एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पर हम ये रूल अप्लाई नहीं करते, वहां पर हम ये रूल अप्लाई नहीं करते, वो बाद पे आएंगी बातें। पहले हम समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, कमिंग। अब हमारे पास वर्ड है कम, सी ओ एम ई, कॉम। अब हम इसमें आई एन जी, तो मैं बता चुका हूं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आई एन जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आई एन जी, उसके अलावा हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं। तो ये आपके 6 टेंस क्लियर हो रहे हैं, ये फॉर्म्स क्लियर हो रही हैं। अब हमने बच्चे को सिखाना है। अब बच्चा क्या करता है, यहां गलती बच्चा ऐसे कर देता है, सी ओ एम ई आई एन जी, वो इस अंदाज से आई एन जी लगाता है और ये गलत स्पेलिंग है, ई यहाँ पे नहीं लगता। हमने रूल पढ़ा है कि जब ई हो उससे पहले कंसोनेंट हो तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, ई को क्या कर देते हैं, ड्रॉप। तो हमारे स्पेलिंग होंगे सी ओ एम आई एन जी, कमी। तो ये हमारे पास वर्ब को चेंज करने के बाद आई एन जी का इजाफा करना आसान हो जाएगा। इसी अंदाज से हम बहुत सारे वर्ड हम दे सकते हैं सर, कोई बोले वर्ड, मूव, मूव। देखें बेटा मूव, जो वीडियो देखेंगे वो देखें, मूव के स्पेलिंग में भी हम आई एन जी का जब इजाफा करते हैं तो वहां पर हम मूविंग लगाना है, मूविंग। ई को देखें हमने ड्रॉप कर दिया, जब हम इन दोनों को ऐड किया तो ई यहां पर आपको देखें दिखाई नहीं दे रहा, ई खत्म हो गया, ड्रॉप हो गया। तो हमने यहां के पर आई एन जी का इजाफा किया। कोई सारे वर्ड है जहां पर ये ई जो है रिमूव नहीं होता, यहां पर कोई केसेस में ऐसा वर्ड कोई है आपके पास, कोई वर्ड नहीं ऐसा अभी फिलहाल? आप बच्चे याद करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं, टीचर्स अगर वीडियो देख रहे हैं, ये चाहते हैं बहुत सारे वर्ड है सर, कोई इसी तरह का लिखा लें जहां पर ई ड्रॉप करना हो, कोई मुश्किल वर्ड जो बच्चे डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा वर्ड आप, गिव, हाँ गिव, ये भी बच्चे बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, गिव प्लस आई एन जी, आप इसमें होगा गिविंग,
ये। तो आ मैं उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट के आखिर में ई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ई को ड्रॉप करके आई एन जी का इजाफा किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये सेकंड रूल भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। अब हम इंशाल्लाह तीसरा रूल पढ़ेंगे। तीसरा रूल है अगर आखिर में दो ई आ जाए तो फिर आई एन जी के इजाफे के वक्त क्या ई को ड्रॉप करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप टीचर से भी मुहातब हूं, बच्चों से भी मुहातब हूं। हे प्यारे बच्चों, आप फिक्रमंद ना हो, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर डबल ई आ जाए सर तो फिर क्या करें। सर यहां तो फिर फेल हो जाएगा ये रूल। बास बच्चों के, बास टीचर के जहनों में ये सवाल आएगा ये सेकंड रूल समझने के बाद कि सर अगर डबल ई आ जाए तो फिर क्या हम दो ई को रिमूव करेंगे, एक ई को रिमूव करेंगे, इसका क्या तरीकाकार है। तो मैं बता देता हूं, ये बहुत आसान सा रूल है कि जब भी दो आखिर में ई आ जाए, तो प्यारे बच्चों दोबारा सुन लें कि जब भी आखिर में दो ई आ जाएं तो आपने उनको रिमूव नहीं करना, उनको आपने ड्राप नहीं करना, उनके साथ अपने आई एन जी का इजाफा करना है, तो वो आपकी कंटिन्यूज का आपका टेंस बन जाएगा। अभी मैं आपको मिसाल ले लेता हूं, हम एग्री, हमारे पास एक वर्ड है एग्री। अब देखिए इसमें आखिर में दो ई आ रहे हैं, इसमें हमने आई एन जी का इजाफा करना है, तो इसके स्पेलिंग होंगे एग्रीन, एग्रीन। अब यहां पर ई को ड्रॉप हमने नहीं किया। अब देख ले बच्चों, यहां पर आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका, आपका जो डाउट था, जो मसला आ रहा था कि सर आखिर में डबल ई हो तो फिर क्या करें, वो आपका मसला हल हो चुका है कि अगर डबल ई आखिर में आ जाए तो उनको ड्रॉप या रिमूव नहीं करते, बल्कि उनके साथ आगे आई एन जी का इजाफा कर दिया जाता है और वो कंटिन्यूज का टेंस बन जाता है, चाहे वो कंटिन्यूज हो चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस हो, तो उसके वर्ब को हम चेंज इस तरह कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा सर रूल था। अब हमारा है चौथा रूल। हम चलते हैं चौथे रूल की तरफ। अब है डबलिंग, आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करना, कॉन्सोनेंट को डबल करना, ये हम चौथा रूल समझने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों अब आ जाइए चौथे रूल की तरफ। जो आज का चौथा रूल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत ज्यादा उसके अंदर नॉलेज है। बच्चे जब भी टेंस करते हैं, आई एन जी का इजाफा करते हैं वर्ब के अंदर, तो ऐसे उनके पास वर्ड होते हैं जहां पर टी को डबल किया होता है, किसी भी कॉन्सोनेंट को डबल किया होता है, जी को डबल किया होता है, जैसे बिग, बिगनिंग, बिगिंग, सॉरी बिग बिगिंग। तो यहां पर जी डबल दफा है, डबल टाइम आया है, तो अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या, यहां डबल जी क्यों लगाया गया, जबकि हमने कंटिन्यूज में पढ़ा कि सिर्फ आई एन जी का इजाफा किया जाता है, और यहां पर आपने डबल जी क्यों लगाया, किस रूल के मुताबिक। फिर हम बच्चे को कहते बेटा कट क्या कंटिन्यू बनाए, तो बच्चा कहता है कटिंग, वो काट रहा है, कटिंग कंटिन्यूज, परफेक्ट कंटिन्यूज मैं बना रहा हूं। तो बच्चे को ये मसला होता है सर ये कटिंग स्पेलिंग सी यू टी कट है, जब आई एन जी लगाएंगे तो सी यू टी आई एन जी कटिंग होना चाहिए था, जबकि बुक के अंदर ग्रामर के अंदर लिखा होता है सी यू डबल टी आई एन जी, तो सर ये क्या प्रॉब्लम है। तो बेटा फिक्रमंद ना हूं, आपके लिए मैं ये चौथा जो केस, चौथा रूल लेकर आया हूं, इससे ही आपका मसला अब हल होने जा रहा है। वो कैसे हल होगा, इस रूल सुन लें कि जब किसी वर्ब के आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक वॉवल हो, उससे पहले एक वॉवल हो, दो की बात नहीं कर रहा, दो वॉवल की बात मैं बाद में करूंगा, वो अलग केस है, वो अलग रूल है। तो प्यारे बच्चों दोबारा सुन लें, टीचर्स भी सुन लें कि जब कभी कोई वर्ड जिसको कंटिन्यूज में कन्वर्ट करना हो, आई एन जी का इजाफा करना हो, आखिर में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वॉवल हो, जो पांच वॉवल मैंने जिसके बारे में बताया था, उन पांच में से कोई एक भी वॉवल हो, तो फिर हम आखिरी वर्ड को डबल करते हैं, उसके बाद आई एन जी का इजाफा करते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, मजीद आपको समझने में आसानी होगी। तो हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारी पहली एग्जाम्पल है कट। तो बच्चों कट है तो हम इसमें आई एन जी का इजाफा करना चाहते हैं, हम इसको कंटिन्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्ब को। तो बहुत आसान, मैं आपको समझा चुका हूं, ये आखिर में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यू वॉवल है, तो हम यहां पे लगाएंगे कटिंग, टी को करेंगे डबल, ये इसका हो जाएगा कटिंग। ये बच्चों आपके लिए देखें कितना आसान हो गया डबल टी करना, टी आई एन जी का यहाँ पे इजाफा किया गया। इसी अंदाज से हमारे पास पुट है, बच्चों यहाँ पे यू आ रहा है पुट, जब इसमें आई एन जी का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा पुटिंग, तो
जो ये हो जाएगा पुटिंग क्यों हुआ, क्योंकि आखिर में टी है, उससे पहले आखिर में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावल है, तो ये हो जाएगा पुटिंग। सर कोई वो ऐसी दे जहां यू ना हो, यू के अलावा कोई वावल हो? गेट, गेट, यस गेट। सर ने ये एक वर्ड मेरे सामने रखा है गेट, इसके साथ आई एन टी लगाना चाहते हैं। तो बच्चों आप समझ रहे हैं, यहाँ देखें ये भी वॉवल है, ई यू भी वॉवल था और इससे के बाद आखिर में कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी गेटिंग होगा, गेटिंग, तो ये आ जाएगा गेटिंग। ये देखें बच्चों कितना आसान हो गया, ये जो प्रॉब्लम जो आपको डबल टी की आ रही थी, ये देखें कितना आसान हो गया, ये रूल है, तो रूल के मुताबिक आप करेंगे तो आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और डायरी पर लिखते जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। और सर कोई वर्ड लिखवाइएगा, सिट, हाँ जी आई आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंट जितने होंगे वॉवल जितने ज्यादा इस्तेमाल होंगे बच्चों के लिए आसानी होगी, प्लस आई एन जी। अब बच्चों हम इसको करना चाहते हैं, आप देखें आखिर पे कॉन्सोनेंट, उससे पहले वॉवल, तो ये होगा सिटिंग, सिटिंग, तो ये इसका कंटिन्यू में हम कन्वर्ट कर देंगे, सिटिंग बैठ रहा है, सीट मैंने बैठना, बैठता है, टू सीट मैंने बैठना, सीट मैंने बैठता है, तो सिटिंग बैठ रहा है, सिटिंग मीन बैठ रहा है। जब भी कंटिन्यू में कन्वर्ट करें तो आई एन जी का इजाफा करें और डबल टी कर लें, तो हमने ये रूल पढ़ा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ चार नंबर रूल भी आपको समझ आ चुकी होगी, आप अपनी बुक टेक्स्ट बुक से इस तरह के वर्ड्स लें, उनको अपनी कॉपी पे डायरी पे अलग करें और अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए ग्रामर समझना, आपके लिए टेंस में ट्रांसलेट करना उर्दू से इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। पांचवा रूल ऐसा है जहां पर आखिर में तो कॉन्सोनेंट होगा मगर उससे पहले दो वावल्स होंगे। दोबारा सुन लें बच्चों, को लगता है समझ नहीं आई, दोबारा समझ लें बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, लगता है परेशान हो रहे, दोबारा समझ लें, टीचर्स भी परेशान ना हो। अब मैं बात कर रहा हूं आखिर में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले दो वावल्स हों। पहले मैंने रूल आपको फोर नंबर रूल ये पढ़ाया था कि आखिर में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले एक वावल हो, अब बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं आखिर में एक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले दो वावल्स हो, तो फिर हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते, हम उसी वर्ड के साथ आई एन जी का इजाफा कर देते हैं, वो वर्ड वो वर्ब कंटिन्यू में चेंज हो जाता है। मैं आपके सामने चंद मिसालें रखूंगा, उसके बाद आप देखिएगा आपके लिए वो मसला भी हल हो जाएगा जो आपके जहन में सवाल आ रहा था, सर अगर कॉन्सोनेंट से पहले दो वॉवल आ जाए तो सर फिर क्या करें, क्या फिर भी डबल करेंगे आखिरी कॉन्सोनेंट को? बच्चों नहीं, वो जो आपके जहन में सवाल आ रहा था, टीचर जो आपके जहन में सवाल आ रहा था, उस सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूं कि आखिर में कॉन्सोनेंट हो उससे पहले दो वॉवल्स हो तो फिर हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते बल्कि उसी वर्ड उसी वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा करते हैं, तो वो कंटिन्यूज में तब्दील हो जाता है। तो अभी मैं ले लेता हूं एक वर्ड लेता हूं, वेट है, वेटिंग। और भी हमें सर हमारे हाजिर है वो भी चंद हमें एग्जाम्पल लिखवाएंगे, तो मैं जो मुझे याद है मैं वो ले लेता हूँ वेट। तो बच्चों तवज्जो से इसके स्पेलिंग आप लिखते हैं W A I T वेट, अब इसके साथ हम प्लस ऐड करना चाहते हैं आई एन जी। तो प्यारे बच्चों अब वेट का मतलब होता है वजन करना, वेट इंतजार, सॉरी ये वेट वो नहीं है, ये इंतजार, इंतजार करना वेट, ये आई है, ये वेट है। अब वजन करना, तो प्यारे बच्चों वजन करता, अगर टू लगाए वजन करना, तो अब आई एन जी का इजाफा वजन कर रहा है या इंतजार कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है, यहां पे क्या होगा इंतजार कर रहा है, तो आई एन जी में हम इसको करेंगे, इससे आखिर में क्या कॉन्सोनेंट और उससे पहले कितने वावल्स हैं सर? दो वावल्स हैं, तो यहां पर इसका आई एन जी का इजाफा करेंगे वेटिंग, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी। तो बच्चों ये आपका मसला हल हो गया, जो आपके जहन में सवाल आ रहा था कि दो वावल्स हो तो क्या करें सर, फिर क्या कॉन्सोनेंट को डबल करना है, तो प्यारे बच्चों डबल नहीं करना, उसको उसी तरह रहने देना और आपने उसको कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देना है। सर कोई और एग्जांपल लिखवाएं, फील, फील, फी, बहुत प्यारा वर्ड है ये फी। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी आप इसको कंटिन्यू में, जब कंटिन्यू टेंस में कन्वर्ट करें, प्रेजेंट कंटिन्यूज में या परफेक्ट कंटिन्यूज में, तो आप देखिएगा फील, महसूस करता, वो महसूस करता है, टू फील वो महसूस करना, तो यहाँ पे आई एन जी लगा रहे हैं, महसूस कर रहा है, कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आई एन जी का इजाफा करते हैं, तो यहाँ भी आखिर में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले दो वॉवल्स हैं,
वावल दो बार आ चुका है या दो बार आ चुका है या दो वावल हो या दो बार वावल आ जाए तो यहां पर भी हम लगाएंगे फीलिंग, तो ये हो जाएगा फीलिंग। तो प्यारे बच्चों ये आपका मसला भी हल हो गया, ये पांचवा रूल था गालबन, पांचवा रूल बेटा आपका हल हो चुका, टीचर्स का भी हल हो चुका। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इसी तरह पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। छठा रूल जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ सर, छठा रूल कौन सा है? आई अब लास्ट पे अब देखिएगा, बहुत वर्ड ऐसे हैं। हाँ एक चीज कटिंग में दोबारा एक्सेप्शनल रूल मैंने आपको बताने थे, वो रह गए जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर में कहा था, जो एक्सेप्शनल केसेस हैं तीन वर्ड डब्ल्यू एक्स वाई डब्ल्यू एक्स। प्यारे बच्चों मैंने कहा था पूरा लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि पूरा जब बंदा लेक्चर सुनता है तो वो जो पीछे कोई गलती हुई होती है तो उसको बंदा करेक्ट कर लेता है। मैंने आपको बताया था शुरू से कि कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे हम एक वर्ड लेते हैं फिक्स, फिक्स वर्ड लेते हैं यहां पर फिक्स एफ आई एक्स फिक्स। अब इस पे हम आई एन जी का इजाफा करना चाहते हैं, तो अब ये तो आखिर में आ गया कॉन्सोनेंट, उससे पहले वावल आ गया। तो आपने तो बच्चों रूल पढ़ा है कि जब भी आखिर में कॉन्सोनेंट हो उसके आगे एक वावल हो तो आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर लेते हैं, मगर यहाँ तो डबल नहीं होगा बेटा। ये रूल मैंने बताना था, इसलिए मैं कह रहा था अगर तक लेक्चर को सुनिएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सुन लें कि तीन वर्ड ऐसे हैं जहां पर आखिर पे ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो तीन वर्ड हैं डब्ल्यू एक्स और इसके अलावा डब्ल्यू वाई एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई। तो प्यारे बच्चों ये ऐसे वर्ड हैं डब्ल्यू एक्स वाई जहां पर हम इनको डबल नहीं करते। वैसे तो मैंने पढ़ाया था डब्ल्यू वाई जो है ये बाज़ोकात वॉवल्स भी होते हैं, इनको सेमी वॉवल कहते हैं। डब्ल्यू वाई को क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल, छोटे वॉवल। ये बाद पर वॉवल के तौर पर तो इस्तेमाल होते हैं, मगर फिलहाल यहाँ पे नहीं। यहाँ पर डब्ल्यू जो वाई आएगा वो वॉवल के तौर पर नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो वहां पर इसको डबल नहीं करना। तो इसके साथ आई एन जी कंटिन्यू में जो फिक्स करना है फिक्सिंग, तो ये हो जाएगा फिक्सिंग फिक्सिंग। तो ब्लो फिर उसके बाद आ जाता है ब्लो बी एल ओ डब्ल्यू ब्लो, फिर इसके बाद आई एन जी अगर इजाफा करना है। यहां डब्ल्यू है तो बच्चों यहां पर डब्ल्यू को हमने डबल नहीं करना, यहां पर आ जाएगा ब्लोइंग ब्लोइंग, ये आ जाएगा बलून। तो प्यारे बच्चों आपने समझ लिया कि ये चंद वर्ड ऐसे थे जहां पर आप नहीं करते, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो वाई वाली एग्जांपल आप ले सकते हैं कि वाई से पहले अगर वावल हो एक तो वहां पर ये कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जो मैं आपके सामने डब्ल्यू एक्स वाई के मैंने रखा कि अगर आखिर में डब्ल्यू एक्स वाई हो, बिलो 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 भी है इसमें, बिलो भी लिख सकते हैं, ये भी है प्ले, मगर ये प्ले उसके बाद भी है। अब बिलो जो है ये नीचे है, ये वर्ब नहीं है, इसके साथ आई एन जी आप लगाएंगे ना, ये याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर ये बिलो जो है ये नीचे के लिए, ये वर्ब नहीं है, वर्ब के साथ आई एन जी का टेंस तो जब इस्तेमाल होता है वर्ब में हम कर रहे हैं, तो ये वर्ब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बिलो जो है ना ये वर्ब नहीं है, बिलो नीचे तो यहाँ नहीं होगा। अब प्ले है तो उसके साथ प्लेइंग लगाएंगे, प्ले यहाँ पर आ रहा है प्ले, यहाँ पर आई एन जी लगाएंगे। तो बच्चों आपने रूल पढ़ा है कि अगर आखिर में कॉन्सोनेंट हो, ये है सेमी का, ये सेमी वॉवल है मगर यहाँ ये कॉन्सोनेंट है वाई, तो वाई कॉन्सोनेंट है उससे पहले वॉवल आ गया तो इसको डबल करना चाहिए। बच्चों ये मैं बता चुका हूँ ये डबल नहीं करते, तो इसको आप कंटिन्यू में करेंगे खेलता है, तो जब करेंगे प्लेइंग खेल रहा है, खेल रहा है प्लेइंग, तो ये बच्चों अंदाज है इसका। ये तीन आप लेटर ऐसे थे जो इनको डबल नहीं किया जाता। अब हम समझेंगे चंद वर्ड ऐसे हैं जहां पर अगर हमने उनको जमा में कन्वर्ट एस या ई एस का इजाफा करना है, ये एक अलग केस है। ये तो आई एन जी का था बच्चों, मैंने आपको करवाया यहां तक कि आई एन जी का इजाफा कैसे किया जाता है। बास वर्ड ऐसे हैं जैसे डेट्स और डेबिट वर्ड थे ऐसे जहां पर हमने आई एन जी का इजाफा किया और उस पर वो रूल नहीं अप्लाई हो रहा था, आई टी आ रहा था। डेबिट का सर वर्ड वो कौन से? चंद एक्सेप्शनल केसेस और भी हैं। एडिट एडिट यस एडिट